अवैध खदान में डूबने से दो लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक युवक राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट खिलाड़ी था। मध्य प्रदेश के लिए अंडर 19 तथा 23 क्रिकेट टीम का हिस्सा रहा है। कल पिकनिक के दौरान यह हादसा हुआ। अवैध रूप से चल रही प्रदेश में खदान को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को कई बार शिकायतें मिल चुकी हैं। इसके बावजूद भी अवैध रूप से पहाड़ों की कटाई पर खदानों का मलबा निकालने का काम जोरों से चल रहा है, जिसके चलते कई बार लोगों का इसका शिकार होना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र में घाटी पर अवैध खनन की खुदाई के बाद गहरा गड्ढा हो जाने पर पानी भर जाने से दो युवकों की मौत हो गई। दो युवकों में से एक राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट खिलाड़ी था, मध्य प्रदेश के लिए अंडर 19 तथा 23 क्रिकेट टीम का हिस्सा रहा है। कल अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था, उसी समय ये घटना घाटी। मृतक पाबले कलेक्टर कार्यालय में खेल कोटे से भर्ती होकर नौकरी करता था। ये कुड़ेल तरफ हादसा हुआ और मेरा ब्रदर था गौरव पाबले, और बाकी का मुझे कोई पता नहीं है कौन थे वो। क्या करने गए थे वहाँ पर? ये पार्टी करने गए थे वहीं पे। दो लोग डूबे इसके साथ, मतलब टोटल दो है। दोनों की डेथ हो गई। हाँ, ये कौन से अंडर 19 भी खेल चुके हैं? अंडर 19, अंडर 15, 17, 19 MP खेला हुआ है और अफ्रीका भी खेल के आया हुआ था। ये काउंटी, तो इसी काउंटी थी अफ्रीका की। ये उमरिया खुर्द की एक खदान है, वहाँ पे दो लोगों की मौत हुई है डूबने से पानी में। खदान में पानी भरा हुआ था, वहाँ पे नहाने के हिसाब से गए थे और डूबने से इनकी मौत हो गई। कितने लोग गए थे उस टाइम? 4 से 5 लोग नहा रहे थे वहाँ पे। तो दोनों की इस पार्ट को देते हैं जी। आपका नाम मतलब? ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।